गया और आओ बेटा मैं पूछ लूंगा आज जी आज मिला तो खुद हम बड़ी मेहरबान सही आओ जी आप जिन्हें मौला का सहारा है वो दीवार का सहारा भी दिखता आओ तो शीन मैं पैर मंजन का नहीं अच्छा मैं बुआ बता सैयद मुस्तजाब हुसैन नकवी सैयद
मोहम्मद मेहदी नकवी, सैयद जफर शाह सफर शाह हुसैन नकवी, सैयद अशरफ अब्बास जैदी, सैयदा जर्रार फातिमा, सैयद शौकत हुसैन नकवी, सैयदा सईद सईदा फातिमा, सैयदा हमीदा फातिमा, इन तमाम की अरवाह को सवाब पहुँचाने के लिए और अपने अपने घरों के जो अफराद इस वक्त ज़ाहिरन हमारे मां-बहन मौजूद नहीं हैं लेकिन ईमानी तौर पर रूहानी तौर पर माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा की रोशनी में मौजूद हैं। इन सब की अरवाह को जिस कदर मादी शहदाए मिल्लत जाफरिया अज़ादारान मोहम्मद आले मोहम्मद और बिलखसूस शहदाए पेशावर इन सब की अरवाह को और हमारी पाक आर्मी के मुशीरदिल नौजवान और पाक पुलिस के वो फर्शनास अफराद और बाकी इदारों के वो अफराद जो मुल्क मिल्लत की हिफाजत के लिए अपने अपने मुकाम पर जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं, इन सब की अरवाह को सवाब पहुँचाने के लिए एक मरतबा सूरत हम और से मरतबा सूरत तौहीद की तिलावत फरमाएं। अल्लाह 18,000 अवालम या बाइख्तिलाफ़ रिवायात 80,000 अवालम के
हर जर्रे कायनात का खालिक है, लेकिन किसी को खल्क करने में अल्लाह किसी कुदरत का, किसी कुदरत का या किसी मुशीर का या किसी वजीर का मोहताज नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह ने अपनी जात की मारिफत कराने के लिए जिन ज़वात-ए-मुत्तहरा को अपनी सिफात का मज़हर बनाकर खल्क किया है, उनकी आंखें ऐनुल्लाह है, कान कुदरतुल्लाह है, चेहरा कुदरतुल्लाह है, कुव्वत कुदरतुल्लाह है। यही वजह है कि शीरान मोहम्मद आल मोहम्मद की कुतुबे अहदीस में मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है कि जब आपने कलाए खैबर का फौलादी दरवाजा अंगुश्ते सबाबा की हरकत से हवा में उड़ा दिया तो रसूल पाक के सहाबा ने अर्ज किया कि ऐ सूखे जौ के टुकड़े खाने वाला अली, ऐ सारा साल अय्याम ईद के अलावा रोजे बजने वाला अली, ऐ एक रात में खड़े होकर हजार हजार रकात पढ़ने वाला अली, ऐ पेट पर पत्थर बांध कर सोने वाला अली, ऐ अपने हिस्से का खाना यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को खिलाने वाला अली, ऐ सारा साल बागों में मजदूरी करने वाला अली, ये इतना बड़ा फौलादी दरवाजा जिसे 40 आदमी मिलकर बंद करते हैं और 80 आदमी मिलकर खोलते हैं, तेरी साथ ने अंगुष्ट सबाबा की हरकत से इसे हवा में उड़ा दिया, तो हजरत अली ने जेरे तक मुस्कुराते हुए अपनी लिसानुल्लाही जबान के साथ इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों, माँ तलाक है मेरे रसूल के सहाबियों, माँ तलाक तो बाप खैबर में कुव्वत जिस्मानिया बला के कुव्वत रब्बानिया, मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा बल्कि रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा। बड़े चुप करके बैठे हैं, तो है ये मुल्तान है मेरे हजरी। महाराज अगर बात समझ में है ना बेटा तो थोड़ा थोड़ा बोलना है, दरूद पढ़िए भाषा। तो इस आयत में अल्लाह ने ज़बाने बेज़बानी के साथ उम्मत मुस्तफ़ी इस हकीकत को जाहिर फरमाया है कि तुम अपने ज़हनी मैदान के सबब जिसे चाहो वली तस्लीम कर लो, तुम अपने कल्बी रुझान के सबब जिसे चाहो वली तस्लीम कर लो, तुम अपनी ख्वाहिशात नफसानी के साए में रहते हुए जिसे मानना चाहो वली मान लो, लेकिन आओ मैं तुम्हें अल्लाह बताता हूं कि मुझ अल्लाह की निगाह में वली कौन कौन है। अब ये आयत है जो मौजूद सफर करार दी गई है, ये है सूरह अल-काहफ आयत नंबर 50। मैं इसे आगाज से लेता हूँ बजाय उस आयत के जिसे मैं तिलावत कर चुका हूँ। इरशाद खुदावंदी है, मेरे हबीब, मेरे करीब, मेरे महबूब, मेरे मतलूब, मेरे मकसूद, मेरे मुस्तफा, मेरे मुतबा, मेरे अहमद, मेरे मोहम्मद, वाइज कोना लिल मलाइकति सजद ले आदम फसजदु इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन फफज़ा अन अम्र रब्बी अफ तत्तखिदूनहु व
बुजुर्ग इज्जत अब औलिया अब मैं दुनी बहुत न बुद्धू बेचारी स्वादी न बदाना माँ अशब तो हल्क समावाद बल अल्प बना हल्क अंत से हैं बना कुछ तो बुद्धा के सर मुझे लीना अधुना सलावा मेरे हबीब वो वक्त याद कीजिए जब हमने कुल मलाइका से यानी उस वक्त की कुल कुव्वतों से ये कहा था कि हमारे बनाए हुए खलीफतुल्लाह के सामने तुम झुक जाओ ताजीनी सजदा करो। अब यहां एक बात है खामोश तो खैर आपने रह लेंगे वो तो मैंने अंदाजा लगा दिया है तो यहां इसीलिए मैं बहुत कम पढ़ता हूं मुल्तान पे तो यहां इशाद खुदा बनती है मेरे हबीब वो वक्त याद तो अल्लाह ने रसूल को उस वक्त में वाके होने वाला वाकया सुनाया नहीं यानी वायस कुल ना मलाइका तस्जदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस आदम और मलाइका के माबैन जो वाकया वाके हो चुका है अल्लाह ने वो वाकया रसूल को सुनाया नहीं बल्कि फरमाया वो वक्त याद कीजिए तो हमेशा सुनाया वो वाकया जाता है जिसका सामने को पहले इल्म ना हो जिससे सामे पहले ना इल्म हो लेकिन वाकया याद वो दिलाया जाता है जिस वाकया के वाके होते वक्त जो याद दिला रहा है वो भी मौजूद हो और जिसे याद दिला रहा है वो भी आ जाओ आगे आ जाओ यहाँ एक बार दरूद पढ़े सलाम कि अल्लाह ने जो रसूल को वाकया याद दिलाया है हमारा रसूल इस आलम में मादियत के अरबा अनासिर का मोहताज नहीं बल्कि आप उस वक्त से हैं जब वक्त वक्त न था यही वजह है किताब जनाबे मुबद्दत में हजरत अल्लामा शेख सुलेमान कंदोदी हनफी अलैहिर्रहमा ने जहां ये हदीस लिखी है कि रसूल पाक ने फरमाया कि कुन तो जब सहाबा ने अर्ज किया था और रावी है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कि जब सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप साहिब नबूवत कब से हैं तो आपने इरशाद फरमाया कुन तो नबी जब व आदम बैन अल थी मैं उस वक्त नबी था नबी था जब आदम हर दम मुंतजिर दम था और इसके बाद उन्होंने ये दूसरी हदीस लिखी है कि रसूल पाक ने अपना दायां हाथ उठाया और अली के शाने पर रख कर फरमाया या अली यो कुंता वली यक आदम और पैदल माए बत्ती अली उस वक्त वली था जब आदम आबे किल में था तो पता चल गया कि जब से मोहम्मद रबीउल्लाह है साहब बड़ा बेतकल्लुफ सा खतीब हूँ और जिंदगी गुजर चुकी है अब 95 से अब हो चुका हूँ 75 से अगर कोई नारा नहीं लगाएगा मैं इशारा कर दूंगा कुछ लोग नारा लगाते भाई ये सोचते यार ये हमारा तुझे बड़ा एहसान है हम बार बार तेरे नाम का नारा लगा रहे ओ अल्लाह के बंदो जरा सोचा करो ये अली का तुम पर एहसान है हे नबी
अल्लाह ने हमारे रसूल को वाकया याद नहीं याद दिलाया है, सुनाया नहीं, बैसोलना ले मलाइका दिल वो वक्त याद के लिए जब हमने कुल मलाइका से, अब मैं यहां मलाइका का तर्जमा कर रहा हूं, अक्सर हमारे यहां मिंबर से और तराजम में भी मलाइका का तर्जमा यहां पर फरिश्ते लिखा हुआ है और पढ़ा भी यही जाता है कि जब हमने फरिश्तों से कहा, जरा आयत को फिर गौर से देखिए, वॉइस कॉल ना लिल मलाइका तसजुदू, जब हमने उस वक्त की कुल कुव्वतों को हुक्म दिया, बेटा आप मेरी बात नहीं समझ सकते, शायद क्या उठे यहां से, शायद क्या उठे उठे आप मुझे तंग कर रहे हैं, चले उधर मेरी यादें यही है, दरूद पढ़ेगी सुना हुआ सामने वो बैठे जो बात ले रहे वायज कौन ना ये मलाइकत जिदी, मेरे हबीब को वक्त याद कीजिए जब हमने उस वक्त की कुल कुव्वतों को ये हुक्म दिया कि हमारे बनाए हुए खलीफे के सामने झुक जाओ ताकि कयामत तक के लिए ये फैसला हो जाए कि अल्लाह का बनाया हुआ किसी दुनियावी ताकत के सामने झुकता है। जहनों में यह सवाल उभर कर आ जाए कि जब हर खतीब हर जाकिर हर वाइज हर मुतरज्जिम मलाइका का तर्जमा फरिश्ते लिख रहा है तो गुलफाम साहब को यह किसने हक दिया है कि वो फरिश्तों की बजाय यहां कुव्वत तर्जमा करे। लीजिए मैं अर्ज करता हूं, पहले आयत सुन ले, वायज कुल ना लिल मलाइका तसजुदू ले आदमा फसजदू, सबके सब झुक गए इल्ला इब्लीस, शिवा इब्लीस के, काना मिनल जिन, वो कौम है जिन्नात में से था, अगर मलक का माना फरिश्ता करोगे तो वो तो फरिश्तों में से था ही नहीं। मलक का तर्जमा मलक दिया, मलक का माना यहां अगर फरिश्ता करोगे तो ये तो आयत बता रही है कि दाना मिनल जिन, वो कौम जिन्नात में से था तो जब वो फरिश्तों में था ही नहीं तो फिर उसकी मुक्त अधूरी कैसी, उसकी नाफरमानी कैसी, वो शैतान कैसे बन गए, वो लानतुल्लाह कैसे बन गया। तो अब कैसा तैयार हो रहा है, मैं किताब का हवाला दे रहा हूं, अरबी लुगत की बहुत बड़ी किताब अत तहकीक, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं जहां उन्होंने मलक के माने लिखे, वहां उन्होंने लिखा है कि मलक का माना है उस दौर की कुव्वत ताकत कुदरत, तो अल्लाह ने उस वक्त की कुल कुव्वतों को हुक्म दिया कि मेरे बनाए हुए खलीफे के सामने झुक जाओ ताकि वाजे हो जाए कि जो मेरा बनाया हुआ होगा वो किसी दुनियावी ताकत की भैंस नहीं करेगा। सब छुप गए इल्ला इब्लीस, सिवा इब्लीस के, काना मिनल जिन, वो कौम जिन्नात में से था, फसा का अन अमर रब्बे, वो अपने रब के अमर से फिर इख्तियार कर गया यानी फासिक बन गया। तो फासिक का क्या माना है, हम रात दिन एक दूसरे से उलझते वक्त कह देते हैं जा जा तू तो बड़ा फासिक है, लेकिन देखना पड़ेगा फासिक के मानी क्या है। तो किताब का नाम है, फिर लुगत की किताब है, लिसानुल अरब, ये शिया सुन्नी की किताबें नहीं है, ये डिक्शनरी है। तो इस लिसानुल अरब में ये लिखा हुआ है कि फासिक का माना क्या है, ये है तीर अंदाज, उसकी कमान में है तीर, जब तक तीर कमान में है तीर है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, जब तक तीर
कमान में है, तीर है। जब तीर अंदाज उस तीर को कमान से रिहा कर देता है, किताब का नाम लिसानुल अरब, अब वो तीर तीर नहीं रहता बल्कि उसे फासिक कहते हैं। यानी ऐसा कमान से निकला हुआ जो दोबारा कमान में वापस नहीं आ सकता। ऐसा कमान से निकला हुआ जो कमान में वापस नहीं आ सकता, तो फांसी के माना क्या बनेंगे? ऐसा तीर से निकला हुआ। चुप करके ऐसा तीर से निकला हुआ जो कभी तीर में वापस नहीं आ सकता। यहां तक मैं आपको लाया, अब मैं फिर रुक रहा हूं। मैं यहां एक और आयत पढ़ता हूं। अब मैं जो आयत पढ़ रहा हूं, इस आयत को कहा जाता है आयत इशा, आयत बादा, आयत अहद। इरशाद खुदाबंदी है, मेरा हबीब वाइल सल्लल्लाहु मीसा का नबी जी। अब फिर वो ईद है कि वो वक्त याद कीजिए जब आलम सर में, आलम अरबाह में, आलम अनबार में, आलम मुजर्रदात में अल्लाह ने कई नबियों से वादा लिया वही दखल अल्लाह हो मीसा कर नबी जी ना जमा आते तो को मैं किताब वही न थे सुबह जा तो रसूल लोग बोल सकते बोल दिमाग माँ को न तो मैं न बेही बल तन सोरू न काला आग्रह तो वह हस्त अला काले को इसलिए कालवा कालना काला फैशन वाना का तुम ने शाहिदी फमन कबल्ला बादा साले का फाउलाए का हुमल फाते को। मेरे हबीब वो वक्त याद कीजिए जब अल्लाह ने आलम जर में तमाम अंबिया से अलिफ लाम जो है नबीयीन पर ये इस्तिग़राकी है, तमाम अंबिया से जब अल्लाह ने वादा लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुकूं सुम जा तुम रसूल उसके बाद आएगा एक रसूल, तो अब अल्लाह नबियों से क्या फरमा रहा है? जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुकूं कहां कहां आलम मादियत में नहीं कहा, आलम जर में कहा, आलम अरबाह में कहा, आलम अनवार में कहा, तो आयत के इस जुज से पता चल गया कि जब नबी उस आलम से इस आलम में आता है उसका सीना इल्म के हुजूर के लिए ऑपरेशन का मोहताज नहीं होता। सीने में इल्म किताब और हिकमत लेकर आता है। इसीलिए तो जनाब ईसा ने जो सिर्फ तीन दिन के थे यहूदियों से पुकार कर कहा था इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं साहिब किताब हूं, खुदा ने मुझे नबी बना के भेजा है। आए दुनिया भर के मुसलमानों के उलमा मुफस्सरीन मुझे किसी तारीख में कुतुब अहदीस में कुतुबे तफसीर में इंजील की तफसीर में कहीं दिखा दे इंजील जनाबे ईसा के पास जब वो तीन दिन के थे कहां थी? क्या हजरत ईसा जो नबी हैं और दावा कर रहे हैं मैं साहिब किताब हूं, नबी झूठ बोल नहीं सकता है? सिर्फ तीन दिन के वो इंजील कहां है? आया ईसा के हाथों पर इंजील है नहीं है? ईसा की गोदी में इंजील है नहीं है? बीबी मरियम के पास हजरत ईसा की माँ के पास इंजील है नहीं है? हजरत ईसा के सीने पर हजरत ईसा के सीने पर इंजील है नहीं है? तो आप उठाए तबासी शिया सुन्नी उलमा ने यही लिखा है कि गो तीन दिन का ईसा था लेकिन उसके सीने में इल्म इंजील था। जनाबे ईसा ने दावा किया है कि मैं साहिबुल किताब हूं, यानी मेरे
फिर एक रसूल आएगा, क्या तुम उस रसूल पर ईमान लाने का और मदद करने का वादा करते हो? मैं फिर चुप कर गया। मैं क्या तुम, मेरी आदत खिताबत थोड़ी सी अलग है, क्या तुम आने वाले रसूल पर, अल्लामा मौदूदी साहब ने तफहीम अल कुरान में लिखा है कि इस रसूल से मुराद हमारे रसूल पाक है, तो अल्लाह कौन नबियों से वादा ले रहा है कि क्या तुम आने वाले रसूल पर यानी हमारे रसूल पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का वादा करते हो? नहीं बोलूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। नहीं, सुन ले, सुन ले। अल्लाह वादा ले रहा है आदम से लेकर ईसा तक कोई नबियों से कि क्या आने वाले रसूल पर ईमान लाने का और मदद करने का वादा करते हो? या अल्लाह, तू नबियों से वादा ले रहा है अपने महबूब की मदद करने का, और यहां कौन भी शोर मचा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मदद रखो, या अली मदद रखो, जब आप लेकर जिन्हें मैं मददगार बना दूं, कल भी मददगार थे और आज भी मददगार। अली 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 सलामती। जब मैं तुम्हें किताब और हिम्मत दे चुकू उसके बाद आएगा इस रसूल, क्या तुम उस रसूल पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का वादा करते हो? कालू अकरना, सब ने कहा हाँ हम क्या करते हैं, उस रसूल पर ईमान लाने का भी और उसकी मदद करने का भी वादा करते हैं। काला फसल वाना ना तुम शाहिदी, अपने उस वादे पर एक दूसरे के गवाह बनो, मैं तुम्हारे साथ तुम सबका गवाह बनता हूँ कि तुमने मेरे मोहम्मद की मदद करने का और उस पर ईमान लाने का वादा किया है। अब वो आयत जो मैंने पढ़ने के लिए ये आयत पढ़ी है, फमन तबल्ला वादा जालिका, आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह फरमा रहा है आदम कहीं इस तसव्वुर में न रहना कि मैं शफीउल्लाह हूं, नूह इस ख्याल में न रहना कि मैं नजीउल्लाह हूं, इब्राहिम ये न सोचना कि मैं खलीलुल्लाह हूं, इस्माइल इस सोच में न रहना कि मैं जबीउल्लाह हूं, मूसा ये तसव्वुर न करना कि मैं कलीमुल्लाह हूं, ईसा ये न सोचना कि मैं रूहुल्लाह हूं। तुम जो कुछ हो मोहम्मद की हैरान में, तुम जो कुछ भी हो, मैं हदीसे कुदसी में हबीब से कह चुका हूं कि लाला का लमा खलकतुल अफलाक, अगर मैं तुझे खल्क न करता तो मैं कायनात के किसी वजूद को वजूद में न लाता। तुम जो कुछ हो मेरे मोहम्मद की नालैन के सदके में हो। फमन तबल्ला वादा जालिका, अगर 1,01,26,000 अंबिया में से तुम में से कोई एक नबी भी अपने वादे से फिर गया यानी मेरे मोहम्मद का उम्मती ना रहा, तो फिर सुन लो वो नबी नबी नहीं रहेगा। आहोशे इल्म मारिफत के परवान छुदा मेरे मुअज्जम मुकर्रम सामेई, अल्लाह फरमा रहा है सुन लो फिर तुम में से कोई नबी नबी नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? फाउलाएगा हुमल फासिकून, बल्कि उनका शुमार फासिकों में होगा, ना सिर्फ नबी नहीं रहेगा बल्कि दीन इस्लाम पर भी नहीं रहेगा। आपको लाने के बाद मुझे यह कहने का पूरा पूरा हक हासिल है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की नबूवत का दारोमदार इन्हिसार किस पर है? हमारे नबी की नबूवत से इकरार पर। अगर हमारे नबी का उम्मती है तो नबी है,
अगर उम्मत से खारिज हो गया तो नबी होना तो दूर की बात है, मुसलमान ही नहीं रहे। अल्लाह कह रहा है फांसे पर जाएगा। तो अब पता चल गया कि हमारे किस नबी की नबूवत पर तमाम अंबिया की नबूवतों का इकरार, पर तमाम अंबिया की नबूवतों का दार मदार है हमारे उसी नबी से। अल्लाह फरमा रहा है सन 10 हिजरी हिज्जत उल वदा के बाद मकामे जोफा से पढ़कर जब रसूल मदीन के मैदान के करीब पहुंचे 18 जुलहज्जा नज़र जिब्राईल, जिब्राईल नाज़िल हुआ। पहली किताब तफ़सीर तुर्र मंसूर, दूसरी किताब तफ़सीर कबीर, तीसरी किताब तफ़सीर कश्शाफ, चौथी किताब कतबुल उम्बाल जिल्द नंबर 5 और बाकी बहुत सारी किताबें। यहाँ जिब्राईल ने आकर यह आयत सुनाई कि अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा अंजला इलैका मिन रब्बिक वइन लम तफ़अल अगर के काम न किया। ये देखा है आपने अली वलीउल्लाह, अंदाजा लगाया आपने कौन नबियों की नबूवत का दार मदार इन हिसाब हमारे नबी की नबूवत के इकरार पर है। लेकिन नबी और अंबिया की नबूवत का दार मदार तकदीर का इन हिसाब अल्लाह क्या फरमा रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा मोहम्मद पहुंचा दे। क्या पहुंचा दे? उन जिला जो तेरे रब की तरफ से हुक्म नाज़िल किया जा चुका है, आज नाज़िल नहीं हुआ बल्कि वो पहले से नाज़िल किया जा चुका है। अगर एक सेकंड में आप बात ले रहे और मुझे रोके ना तो मैं देता चलूं। शबे मेराज मंदिर काबा को सैन्य औदरा पर पंडे से डायरेक्ट आवाज क्या आई फाओ इला अब्द ही मा आओ। अल्लाह ने वही की अपने अब पर वही उसने चाही, रसूल ने आके बताया नहीं कि वो वही क्या थी। इधर नदीर के मैदान में पहुंचे उधर हुक्म मिला कि पहुंचा दे वो जो नाज़िल किया जा चुका। अच्छा ये ढीले ढीला नारा और भी लगा दे नारे हैदर। अब दो लफ्ज है आयत में बल्ले मा अंजला इलैका मिन रब्बिक, दूसरा क्या वइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। पहला है पहुंचा दे, दूसरा है अगर तूने ये काम न किया तो तूने तबलीग रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। मालूम हुआ ये जो आप काम होने भाई सोना नहीं वो इंद्रा सोना नहीं बैठा आंखें बंद नहीं करी। पता चल गया आज जो काम होना है उसका ताल्लुक दो से है, एक बंदे से एक फेल से, यानी एक पहुंचा दे और एक ये काम करके दिखा दे। इधर रसूल ने अली का भालू बना किया, उधर ऐलान किया मन को तुम्हारा हो बहादा अली 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 जैदी साहब मुझे याद ही नहीं है, पता नहीं 4 साल पहले 5 साल पहले 3 साल पहले मुझे याद नहीं है, मुमताज़ाबाद की नूरानी चेहरों की ज़ियारत का मैंने शर्फ हासिल किया था और आज आपके हुक्म पर मुझे शुक्र है कि ये चेहरे देखकर मैं इबादत का हिस्सा वसूल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ फिर एक बात कहना चाहता हूँ, बाद में बात आ जाती है रुकना पड़ता है और घंटा 1 घंटा 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं तकरीर रोक दूंगा। कहना ये चाहता हूँ कि हम शिया हजरात के मिंबरों से ये पढ़ा जाता है कि डायरेक्ट रसूल ने अली को मैदान गदीर में मजमे के सामने खड़ा किया और बाजू बुलंद करके ऐलान किया कि मन तुम तो मौला हो फहादा अली मौला। नहीं, बिल्कुल नहीं। आए तारीफ की तरफ आए और जस्तजू करें, तलाश करें
साढ़े तीन घंटे का खुतबा है जो रसूल ने मैदान गदीर में पढ़ा है। और रसूल ने जब अली को उठाया तो अपने पहलू में नहीं रोका, जो पढ़ते हैं पहलू में रोका ना, रसूल ने अली को मिंबर पे लिया, लेकर दो कदम रसूल पीछे हटे, अली को आगे बढ़ाया ताकि बशर से पास हो। तफसीर सामने आ जाए तो अब जो बात देना मैं चाहता था, ये तो जिमनन मैंने अर्ज कर दिया, जो बात देना चाहता था वो ये है कि रसूल ने अली को पहलू की जीनत बनाकर सामने खड़ा कर किया, फौरन अली की विलायत का मौलायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि क्या किया, 2,48,000 आंखों पर रसूल ने दिखाया। तो 2,48,000 आंखों को रसूल ने दिखाया। और यूं समझिएगा, किताब आपके सामने है, मैं मुल्तान से हूं, मैं हवाला दे रहा हूं, के सब में हवाले महफूज हो रहे हैं, जिसका जब जी चाहे शाबान के बाद, चूंकि शाबान तो मैं मुल्तान में नहीं हूं, शाबान के बाद जिसका जी चाहे मुझसे रजू करे, मैं किताब की फोटो कापी देने की जमानत देता हूं। पहली किताब का नाम है किफायतुत तालिब अहले सुन्नत, दूसरी किताब का नाम है अल-फुसूल अल-मुहिम्मा अरबी में मेरे भाइयों, तीसरी किताब का नाम है कंदुल उम्मार, पहले नंबर पर जिल्द 5, तीसरे नंबर पर जिल्द 8, ये भी मेरे भाइयों की, चौथी किताब का नाम है शवाहिदुत तंजीम, ये भी मेरे भाइयों की, पांचवी किताब का नाम है अर-रियादुन नजरा, ये भी मेरे भाइयों की। मैं जिस किताब से पढ़ रहा हूं उसका नाम है अल-फुसूल अल-मुहिम्मा, सफर नंबर जो है 42 अरबी है, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। खुद अली फरमाते हैं, अन अली यबने अबी तालिब, हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल ने गदीर के मैदान में मुझे अपने सामने के पहलू में खड़ा करके फौरन मेरी विलायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि रसूल ने क्या किया, अपने सर से सहाब नामी, अपने सर से सहाब नामी दस्तार उतार और उतार कर रसूलुल्लाह अला रासही, मेरे सर पर रसूल ने अपनी दस्तार सजाई, दस्तार सजाने के बाद ऐलान किया कि मन कुन तुम्हारा हो। अली हक, अली हक, बड़े अली हक, 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 बदन पे अगर शरीयत की तमीज होती, अमावत जारी इनके लबों पे तस्बीह और तकदीस होती, बाखुदा मुसलमान दुनिया के हुक्मरान होते, बाखुदा मुसलमान दुनिया के हुक्मरान होते, याद इन्हें मन तुम तुम मौला की जो हदीस होती। पाकिस्तान पर गुजरात शहर के एंड पर, जिला के एंड पर और जेहलम जिला के आगाज पर बैठा हुआ एक सकाला राफ इस्लाम अपने सामने कुतुब रख कर बजाने खुद, जो ये समझता है कि किरोड़ों मुसलमान मेरे लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसने अपने एक लेक्चर में कहा है जो क्लिप मुझे खसूसन सुनाया गया है कि शिया हजरात जो मौला का माना करते हैं कि अली वाली है, हाकिम है, ये माना बयान करते हैं, ये माना मौला का कहीं भी नहीं है, बल्कि यहां जो मौला का माना है वो सिर्फ और सिर्फ यार है कि रसूल ने गदीर के मैदान में कहा जिसका मैं यार हूं उसका ये अली यार है। मैं इस पे बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक फिक्का देना चाहता हूं, चूंकि जैसा तैयार हो रहा है इसलिए दे रहा हूं कि हजरत सकाला राफ इस्लाम साहब रसूल ने मैदान गदीर में अली के सर पर अपनी दस्तार सजा कर ये मनवा लिया। Hey!
दस्तार कभी गायों के सर पे नहीं सजाई जाती, हमेशा दस्तार वारिसों के सर पर सजाई जाती है। तो अब आपने देखा कि जिस नबी की नबूवत पर तमाम अंबिया की नबूवतों का इन्हिसार है, उसी नबी से कहा जा रहा है अगर ये काम न किया तो। जब विलायत अली के ऐलान के बगैर नबी की तबलीग रिसालत महफूज नहीं रहती, तो इकरार अली और वलीउल्लाह के बगैर तेरा ईमान आयत की तरह कि सब के सब झुक गए इल्ला इबलीस। गाना मिनल जिन याद है ना, फसका अन अमरे रब्बे। अब इससे आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ औलादे आदम, ऐ फरजंदाने आदम, अफ तत्तखिदूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम मुझ अल्लाह को छोड़कर शैतान को और शैतान की औलाद को, शैतान के चेले जाटों को, शैतान के परस्तों को अपना वली बनाते हो? मैं हैरान हूँ, मेरा बचपन, मेरी जवानी मुमताजाबाद में आपके सामने गुजरी है और आप ही ने मुझे खिताबत के लिए पाला है, पोसा है, परवान चढ़ाया है, और फिर मुझे बात बात पे रुकना पड़ रहा है, मेरी हैरानी है। जबकि लाहौर में बाकी मकामात पर ऐसी सूरत मेरे सामने नहीं होती। यहां मैंने ये कहा है कि अल्लाह फरमा रहा है तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान को और शैतान की औलाद को अपना वली बनाते हो। पता चल गया कुछ शैतानी भी विलायत के दावेदार है। इसकी तशरी नहीं कहूंगा, क्या तुम मुझे अल्लाह को छोड़कर शैतान को और शैतान की औलाद को, शैतान के चेले चाटों को अपना वली बनाते हो? भला वो तुम्हारे वली कैसे हो सकते हैं या अल्लाह क्यों नहीं हो सकते? अब अल्लाह दलील दे रहा है। मां अच्छा, पहले दलील मैं छोड़ रहा हूं, क्या फतत तखजूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदू बेशल ज़ालिमीन बदला। पहली दलील ये है कि वो तुम्हारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शाला वो हमारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन कैसे हो गए? हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं, तो वो हमारे दुश्मन कैसे बन गए? तो पर्दा पादब से जवाब मिलेगा। गुलफाम सुन, वो तुम्हारे मासूम बाप आदम के दुश्मन है। तो जो मासूम बाप का दुश्मन हो वो औलाद का दुश्मन होता है। दुश्मन है पहली दलील। दूसरी दलील क्या है? वो आयत जो मौजूए सुखल है, मा अशहदतु खल्कस समावात वल अर्ज वला खल्क अनफुसहिम, ना तो मैंने शैतान को और शैतान के चेले जाटों को आसमानों के बनाने पर और ना जमीनों के बनाने पर गवाह बनाया। अच्छा, खैर ये माहौल का भी असर होता है। तो अल्लाह फरमा रहा है मैंने उनको वली क्यों नहीं हो सकते तुम्हारे? इसलिए कि मैंने उन्हें आसमानों के और जमीनों के खल्क करने पर गवाह नहीं बनाया। एक वला खल्क अनफुसहिम, और ना उनके वजूदों के खल्क करने पर मैंने उन्हें गवाह बनाया। फिर सुनिए, वो वली क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि आसमानों के बनाने पर, जमीनों के बिछाने पर और खुद उनके वजूदों के बनाने पर मैंने उन्हें ऐनी गवाह नहीं बनाया। अब हमें बात पढ़ाई जाती है मंतिक में सूरा और कुबरा की, कि जब सूरा और कुबरा सामने आते हैं तो उसे मिलाकर नतीजा निकालना पड़ता है। अब निकालें इसका नतीजा क्या?
वादा फरमा रहा है शैतान और शैतान के चेले चाटे औलाद इसलिए बली नहीं हो सकते कि वो आसमानों के बनाने पर, जमीनों के बनाने पर और अपने वजूदों के बनाने पर ऐनी गवाह नहीं है। तो अब नतीजा क्या निकलेगा कि वलीउल्लाह सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जो आसमानों से भी पहले हो। और जमीनों से भी पहले हो और खुद अपने जाहिरी वजूदों से भी पहले हो। अब आओ तलाश करो वो कौन है जो जमीनों से भी पहले थे और आसमानों से भी पहले थे। अब मैं फिर आयत पढ़ता हूं, जरूर पढ़िएगा, मैं आयत पढ़ता हूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरह नंबर 2 की अल बकरा की ये आयत है कि शैतान तू जो मेरे बनाए हुए खलीफे के सामने झुकने से इनकार कर रहा है, उसकी ताजीम का इनकार कर रहा है। देखिए यहीं से हमें एक और बात का भी पता चल गया कि शैतान कैसे बनते हैं। वाह सही बात, कमाल है, वाले चुप कर के देखे ना आयात को शुरू से ले वाइज काला रब्बो का लिल मलाइका ते इन्नी खालिकुम बशर मिनती फाइदा सब बैतहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फकउ लहू साजदी फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस काना मिनल काफिरीन, सारे झुक गए सिवाय इब्लीस के वो काफिरों में से था। अगर काना लोगे बमाना माजी बईद के तो फिर तर्जमा क्या बनेगा कि शैतान काफिरों में से था, गो मलाइका में मासूमों में बैठा रहा। नहीं पढ़ता वो फरिश्तों में मासूमों में और सदराज तक बैठा रहा कि आम में उनके साथ, रकू में उनके साथ, सजूद में उनके साथ, तब्दी में उनके साथ। लेकिन ये तो आयत है ना, मैं हदीस तो बाबा जी नहीं पढ़ रहा ना, तो अल्लाह फरमा रहा है क्यों नहीं झुका। काना मिनल काफिरीन, अगर ज़माना माज़ी बईद के लोग तो तर्जमा बनता है वो छुपा हुआ काफिर था, यानी अमूली काफिर था। और अगर ग्रामर के मुताबिक माना करोगे काना का बमाना सारा तो फिर इसका तर्जमा बनेगा वो काफिर बन गया, यानी था नहीं अब बन गया। तो कैसे बना, खलीफतुल्लाह की खिलाफत का जब ऐलान हुआ और उसने उसकी ताजीम का इनकार कर दिया तो अब काफिर बन गया। मालूम हुआ छुपे हुए काफिरों का पता नमाज के वक्त नहीं चलता, रोजे के वक्त नहीं चलता, तहज्जुद के वक्त नहीं चलता, क़याम के वक्त नहीं चलता, रुकू के वक्त नहीं चलता, सुजूद के वक्त नहीं चलता, बल्कि अंदरूनी काफिरों का पता उस वक्त चलता है जब खलीफतुल्लाह की खिलाफत का ऐलान। देखा आपने, शैतान शैतान बन के पैदा नहीं होता। वाह जी वाह, अल्लाह का काम शैतान पैदा करना नहीं, शैतान शैतान बन के पैदा नहीं होता, शैतान बन जाता है। बस देखना पड़ेगा कैसे बनते हैं। ये फिर कभी फिर इंशाल्लाह जिंदगी लाई बड़ा वसी मौजू है तो इसे मैं लेके चलूंगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह फरमा रहा है इसी शैतान से जब इसने इनकार कर दिया, ऐ शैतान मा मना का अंतस जुदा लिमा खलक तो बेजतैया, और जलील तुझे किसने मना किया है उसको सजदा करने से जिसे मैंने अपनी कुदरत कामेरा से बनाया है। यदुल का माना है कुव्वत, ताकत, जिसे मैंने अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से बनाया है। ये अलग बात है कि इस हारे कुव्वत के लिए अल्लाह ने किस किस का जिक्र किया है, ये बाद में बात है। तो जो तूने उसको सजदा करने से इनकार कर दिया या अस्तकबरता, तूने तकबर किया, अम कुंता मिनल आली, तू जो सजदा नहीं कर रहा क्या तू आली में से है।
ذہنوں میں رہے کہ شیطان اور شیطان کے چیلے بلی کیوں نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ میں نے زمین اور آسمانوں کے بنانے پر ان کو گواہ نہیں بنایا. تو پتہ چل گیا بلی وہ ہو سکتے ہیں جو زمینوں سے بھی پہلے ہو, آسمانوں سے بھی پہلے ہو. اب اللہ شیطان سے کیا کہہ رہا ہے, تو نے سجدہ نہیں کر رہا. ام کنت من العالین, کیا تو عالین میں سے ہے؟ معلوم ہوا آدم سے بھی پہلے, فرشتوں سے بھی پہلے, جنات سے بھی پہلے, کچھ قوتوں سے جو موجود تھی وہ سب سے پہلے عالین تھے. اب وہ عالین کون تھے؟ یہ لکھیے, میرے پاس 100 علماء اہل سنت کے قرآن کے تراجم ترجمے لائبریری میں موجود ہے. میں نے مکمل 100 تراجم کو, ترجموں کو میں نے دیکھا ہے. جو جو ترجمہ عربی میں, فارسی میں, اردو میں مجھے ملا ہے میں نے اسے نوٹ کیا ہے. اس کے ساتھ میں نے اس علامہ کا نام لکھا ہے کہ فلاں علامہ نے فلاں تفسیر میں اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. یہاں میں سارے نام نہیں لیتا, صرف 2-4 میں یہاں پر نام لے رہا ہوں, زیادہ نہیں. جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گھنٹہ گھنٹہ 10 منٹ میں میں ممبر چھوڑ دوں گا, یہ چونکہ آپ ذرا خاموش رہے مجھے ہر بات پہ تھوڑی تشریح کرنی پڑی. تو لفظ عالین کا ترجمہ کیا ہے؟ نمبر 1 ترجمہ کس کا ہے؟ حضرت پیر شاہ رفیع الدین صاحب کا. انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کے انکار پر شیطان سے کہا, کیا تکبر کیا تم نے یا تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے؟ پہلا ترجمہ ہے حضرت پیر شاہ رفیع الدین صاحب کا. انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان کے انکار پر شیطان سے کہا, کیا تکبر کیا تو نے یا تھا تو بلند مرتبے بالوں میں سے؟ ایک. نمبر 2 حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, ان کے ترجمے میں لکھا گیا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان کے انکار پر شیطان سے کہا کہ کیا تو غرور میں آ گیا ہے یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ سب کی اگر کسی کے حق میں مجھ سے کوئی نازیبا الفاظ ادا ہو گئے ہوں تو میں اس پر مدعائے اہل بیت ہونے کے سبب معذرت خواہ ہوں, کیونکہ میں مجمع کو اپنے علاقوں میں جہاں پڑھتا ہوں اس طرح خاموش نہیں بیٹھنے دیتا. ضرور پڑھیے گا سلام. اب یہاں پر میں تیسرا ترجمہ عرض کر رہا ہوں, باقی چھوڑ کر حضرت علامہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ انتہائی طور پر قابل توجہ ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کے انکار پر شیطان سے کہا, تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں تھے؟ اب جو میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ ترجمہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے اہل سنت کی, حضرت پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف. انہوں نے تفسیر در منصور کا جو اردو میں ترجمہ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے, جلد نمبر ہے 5, صفحہ نمبر ہے 890, اس پر انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا, کیا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ تو میں نے 100 ترجمے لکھ کر نیچے ڈیٹ دی ہے, سن دیا ہے, دن دیا ہے, وقت دیا ہے, اور نیچے نوٹ لکھا ہے کہ علماء حضرات جب آپ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ شیطان سے پہلے اونچے درجے والے تھے, بلند درجے والے تھے, بڑی ہستیاں تھیں, تو پھر لکھتے کیوں نہیں کہ وہ کون تھے؟
पहले, कुव्वतों से पहले, फरिश्तों से पहले आलीम थे, बुलंद मर्तबे वाले थे, ऊंचे दर्जे वाले थे, तो फिर लिखो वो कौन थे। हाँ क्यों नहीं लिखते, एक फिक्रा दूंगा, बिल्कुल तशरीह नहीं करूंगा, एक लफ्ज़ तशरीह का नहीं कहूंगा, सिर्फ एक फिक्रा दूंगा। अगर लिख दें कि ये आलीम हैं, तो फिर हम मर्तबा का ख्याल कहाँ रहेगा। चलो जी ठीक है, आप नहीं लिखते ना लिखते, हम फिर आपकी तफसीर देख रहे हैं। आप घंटा गुजरने वाला है, मैंने एक भी शिया किताब का हवाला नहीं दिया और इंशाल्लाह ना दूंगा, मैं अभी खत्म कर रहा हूं। यहां पर हम फिर आगे बढ़ते हैं आपकी तफसीर की तरफ कि ये आलिम कौन है। फिर सूरह नंबर 2 की, सूरह अल बकरा की हुजूर आयत पढ़ रहा हूं, पता लगता आदम मैं रब ही कलेमा फताबा अलैह, आदम ने अपने रब से चंद कलेमात की मारिफत का इल्म हासिल किया, उन्हीं कलेमात के वसीले से मालिक को आदम भी वसीले के बगैर नहीं रह सकता, उन्हीं कलेमात के वसीले से अल्लाह ने जनाब आदम का अपनी बारगाह में रजू करना कबूल किया। मैंने तौबा नहीं कहा, मैंने रजू करना कहा, मैंने तौबा क्यों नहीं कहा, इसलिए कि अल्लाह का आदम के लिए फैसला है, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहिम व आला इमरान, अल्लाह ने आदम को चुन लिया है, अल्लाह का चुना हुआ कभी गुनाहगार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने लफ्ज तौबा अदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने आदम का अपनी बारगाह में दोबारा रजू करना कबूल किया। तो आप दो कलेमात कौन से थे, जिन कलेमात के वसीले से आदम ने रजू किया अल्लाह की बारगाह में, बताओ वो कलेमात कौन से। तो लिखा गया है इन्हीं कलेमात का दूसरा नाम आलीन है, तो फिर बातें करो कि कलेमात कौन से हैं। अब मैं हवाला दे रहा हूं, यह है तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 661 सफर नंबर 60 की नीचे वाली 2 सतरें, सफर नंबर 61 की ऊपर वाली 2 सतरें। अंदर का कागज पीले रंग का अखबारी कागज, बाहर की जेल मैरून कलर की रकीब चमड़े वाली जेल, मतुआ बैरूत लबनान, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सैयदी साहब की तालीफ शुदा, मतबुआ बैरूत लबनान। मैं एक एक हवाले का मक्का यूनिवर्सिटी तक जामिन हूँ, जो मैं हवाले दे रहा हूँ ये किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो इसमें वो लिखते हैं रावी कौन है इस हदीस के, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो बयान करते हैं कि जब रसूल पाक ने ये आयत पढ़ी फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैह, तो रसूल के असहाबे किराम ने रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने रसूल की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बताएं तो सही ये कलिमात कौन से हैं, जिनका वास्ता हमारे बाप आदम ने दिया। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ये सफर नंबर 7 की नीचे वाली 2 सतरें और सफर नंबर 61 की ऊपर वाली 2 सतरें। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जनाब आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक मोहम्मद व आले मोहम्मद, जब रसूल ने यह फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपका नाम तो वाज़े है, बेहद के मोहम्मद है, ये तो रोशन है, ये तो वाज़े है, आगे जो आदम ने कहा आले मोहम्मद, जरा बयान तो कीजिए कि ये आले मोहम्मद कौन है। अब यहां पर उन्होंने तफसीर दुर्र मंसूर में नहीं है, ये फिक्र मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं लिखे, मैं कह रहा हूं शायद जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने
आले मोहम्मद का इसलिए पूछा होगा कि मैं भी रसूल के चचा की औलाद में से हूँ, शायद हम सब के सब आल में शामिल होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, इधर सवाल किया, अब ऊपर की दो सतरें सफर नंबर 61 की। रसूल पाक ने जवाबन कहा कि हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक मुहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। जब कुछ न था ये थे। आज हमें ताना देते हो, आज कराची में पिछले साल जुलूस निकाल कर नारा लगाते हो कि शिया काफिर है, शिया काफिर है। भाई हमने कभी आपको रोका है कि आप ना कहें शिया काफिर है? रात दिन गए, सारा साल गए, सारी जिंदगी गए। रब अकबर की कसम हम आपको नहीं रोकेंगे क्या आप ये नारा न लगाएं। हम तो आपसे आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि इन नारे लगाने वाले किराए के लोगों को ये तो बता दो कि किसके हिया काफिर हैं। कराची कुरंगी में मैं हर साल हमसा पढ़ता हूँ, कोई तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए, यकम रबी लवल से लेकर 5 रबी लवल तक। तो वहाँ मैंने उस मौलाना का नाम लिया, नाम लेकर कहा कि हुजूर आपको गलत फहमी है कि शिया आपका नारा महसूस करते हैं। आप सारी जिंदगी ये नारा लगाएं कि शिया काफिर है, हम कोई महसूस नहीं करते। हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि आप अपने इन किराए के नारा लगाने वालों को ये तो बता दें, क्योंकि आजकल तो किराए पे मज में जमा करने का रिवाज पड़ चुका है। तो लिहाजा आप इन्हें ये तो बता दें कि किसके शिया काफिर हैं। आया यजीद के शिया काफिर हैं या अली के शिया काफिर हैं? अगर कहोगे अली के शिया काफिर हैं तो फिर तफसीर तुरे मंसूर की ये इबारत कहां जाएगी कि रसूल ने अली की तरफ देख कर कहा था यानी जो अंता वशियतबा लहुमल फायलूना यौमल कियामा। ऐ अली मैं मोहम्मद गवाही देता हूं कि तू और तेरे शिया कयामत के दिन कामयाब। अली 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 बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो वाज़े हो गया ना, ये है वो आदमी जब ना आसमान थे ना जमीनें थी ना कायनात थी, ये थे। अब अगर कोई हमें धमकी देता है भाई ये आखिरी बात सुन, ये अभी जबान पर आ गई है जिस तरह बाकी बातें जबान पे आ गई है, वरना मैंने सिर्फ शहादत ही पे बोलना था, लेकिन आप साथ देते गए और मैं आगे बढ़ता गया। जो जमाने की गदागिरी का सदका है भाई, यहाँ आखिरी बात दे के जहाँ भी है मैं रोक रहा हूँ। आज हमें धमकी देते हो कि ये जो शिया पढ़ते हैं अली और वलीउल्लाह है, वसी और रसूलुल्लाह है, वो खलीफतहु बिलाफत, हम अदालत में जाएंगे। हम रात दिन दुआ मांगते हैं अल्लाह करे तुम अदालत में जाओ और हम तस्वीरें लेकर अदालत में आए। आज तुम ये कहते हो कि ये जो अली वलीउल्लाह अदालत में पढ़ते हैं, करे में पढ़ते हैं, ये एक दहशतगर्दी है। बड़ा अच्छा बयान दिया है, हम सलाम पेश करते हैं हजरत मुशीर वजीर जनाब वो ताहिरा शफी अलहाज ताहिरा शफी साहब को, कि उन्होंने अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने वादे तौर पर बयान दिया है कि जो भी शीयों की अजान को दहशतगर्दी कहता है वो खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द। तो आज हमें कहते हो कि ये दहशतगर्दी है? अगर अली वलीउल्लाह पढ़ना दहशतगर्दी है तो मेरे मोहतरम मेरे मुकर्रम, ये है पहली किताब, नाम है अस्सवाइकुल मोहिका। ये है दूसरी किताब, नाम है शवाहिदुत तंजीह। ये है तीसरी किताब, नाम है किफायतुत तालिब।
और बाकी बहुत सारी किताबें जिनमें तंजुल उम्माल भी है। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इनमें ये दर्जे मैं इन किताबों से खास तौर पर मैं इन कुतुब से लेके पढ़ रहा हूँ, शवाहिद तंजील से, कि इनमें ये दर्ज है कि सहाबा ने रसूल से, प्यारे प्यारे सहाबा ने रसूल से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जो आयत है वस अल मन अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलना, कि ऐ मेरा हबीब उन रसूलों से सवाल कर जो तुझसे पहले रसूल बनाकर भेजे गए। तो जब भेजे ही पहले गए हैं, वाह सही बात, और उनमें से कोई रसूल ना मक्के आया, ना मदीने आया, ना ओहद में आया, ना बदर में आया, ना खंदक में आया, ना खैबर में आया, जब पहले भेजे गए तो फिर रसूल ने उनसे सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपने उनसे सवाल किया, रसूल पाक ने फरमाया मेरे साहबियो क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह मुझे हुक्म दे और मैं बजाने लाऊं। हाँ या रसूल अल्लाह, लेकिन समझ में नहीं आता, जब कोई नबी आया ही नहीं तो आपने सवाल कैसे किया। अब ये जवाब वहां है जिन किताबों के मैंने नाम लिए हैं। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया लम्मा उरिजा फी इला समाइर राबिया, जब मैं शबे मीराज चौथे आसमान पर बुलंद किया गया, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी, तो बेतन मैं याकूत अहमर, मैंने चौथे आसमान पर जाकर सुख याकूत से बना हुआ एक घर देखा। जब मैं टिकटिकी बांध कर नजरें जमा कर उस घर को देखने लगा, फकाल जिब्राईल या मोहम्मद हाज़ल बैतुल मामूर, तो जिब्राईल ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह ये बैतुल मामूर है, अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि इस बैतुल मामूर में खड़े होकर आप नमाज पढ़ें। जब मैं नमाज पढ़ने की गरज से उस बैतुल मामूर में खड़ा हुआ, जब अल्लाह नबी जी, तो अल्लाह ने कुल नबियों को वहां जमा कर दिया। फरिश्ते तो पहले ही जमा थे, जब सारे नबी जमा हो गए तो अब मैंने देखा कि इनमें मेरा बाप आदम भी है, बाप नूह भी है, दादा इब्राहिम भी है, भाई मूसा भी है, भाई ईसा भी है। तो मैं इस तसव्वुर में गुम हो गया कि इनमें से कौन नमाज पढ़ाएगा। आया मेरा बाप आदम नमाज पढ़ाएगा, या सानी आदम हजरत नूह नमाज पढ़ाएंगे, या मेरा दादा इब्राहिम नमाज पढ़ाएगा। मैं इस तसव्वुर में था कि जिब्राइल आगे बढ़े, पढ़कर मेरा दायां बाजू पकड़कर नबियों में बुलंद किया, बुलंद करके कहा तकद्दम या मुहम्मद, आप आगे बढ़े, आप अंबिया को नमाज पढ़ाएं। अल्लाह ने नबियों की जो नमाज है उसकी इमामत का ताज आपके सर पर सजा दिया है, वहां नाना ने नमाज पढ़ाई और यहां बेटा जब दुनिया में आएगा तो ईसा को नमाज पढ़ा के पढ़ाएगा। तो अब बड़ा प्यारा फिक्र है और मुझे याद भी नहीं पड़ रहा, मैंने आज से कुछ 40 साल पहले या 45 साल पहले ये किताब पढ़ी थी, किशन नगर अपना कश्मीरी बगा लाहौर के खतीब मस्जिद थे जिनका नाम था हजरत अल्लामा इलाही बख्श साहब बरेलवी, उन्होंने एक किताब लिखी थी मेराज नबी उर्दू में, शायद मेरे यहाँ पुरानी किताबों में मौजूद होगी। तो उस किताब में उन्होंने लिखा था कि रसूल पाक जब सोच रहे थे कि नमाज कौन पढ़ाएगा, तो जिब्राईल ने रसूल का दायां बाजू पकड़कर अंबिया में बुलंद करके कहा तकद्दम या मोहम्मद। ये लिखकर ऊपर लिखा है अलिफ अलिफ, नीचे हाशिए के नीचे लिखा है अलिफ अलिफ, के आगे लिखते हैं ऐ मुसलमानों मेरे जिस नबी का बाजू पकड़कर जिब्राईल बुलंद कर दे नबियों में, भला किसी नबी की क्या जरूरत, मेरे उस नबी का मुकाबला कर सके जिसका बाजू पकड़कर जिब्राईल ऐलान कर रहा है। जब मैं
मैं कश्मीरी बाजार लाहौर में पढ़ने गया, शेखों की दावत थी, खानदान नारोवालियों की मुझे याद है। जब मैं पढ़ने गया तो करीब ही उनकी मस्जिद थी, तो मैंने मिंबर से आवाज़ देकर कहा कि हजरत अल्लामा इलाही भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बारगाह में सैकड़ों सलाम, हजारों सलाम, लाखों सलाम, करोड़ों सलाम, आपने सदियों का उलझा हुआ मसाला हल कर दिया, मेरे जिस नबी का बाजू पकड़ कर जिब्राइल बुलंद कर दे, जब उसकी बराबरी का दावा कोई नबी नहीं कर सकता, तो हदीब के मैदान किस हदीब का बाजू पकड़ कर कोई नबी बुलंद कर दे, उस हदीब की बराबरी का दावा। आप सब आबाद रहे और ये सवाब मरहूमीन की रूह मुबारका को अता हो। तो यहाँ पर जब रसूल फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ा चुका, आतानी आतिल मिन इंद रब्बी, मेरे रब की तरफ से आने वाला फरिश्ता मेरे पास आया और आकर कहा रब का युग्रियो का सलाम, तेरा रब तुझे सलाम दे रहा है, और सलाम के बाद फरमा रहा है सलेम व सलाम, इन रसूलों से सवाल कि ये तुझसे पहले किस अहद पर, किस वादे पर, किस बुनियाद पर नबी बना के भेजे गए हैं। रसूल पाक फरमाते हैं मैंने तमाम अंबिया की तरफ रुख करके कहा या माशर अल अंबिया, ए गिरोह अंबिया, अला माधा बुइस्तो मिन कबली, तो मुझसे पहले किस अहद पर, किस वादे पर, किस बुनियाद पर नबी बनाकर भेजे गए। थकालत रसूल, तमाम रसूलों ने मिलकर जवाब दिया अला शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वल इकरार बिन नबुव्वत का तल्कीलायत अली के बने अभी अली 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 साहब लाहौर में वहाँ बेशक मजमा 20-25 हज़ार का होता है, लेकिन ये मंजर नहीं होता जो यहाँ देखने में आ रहा है। मिल के नारे, तो यही अली है जिसकी विलायत को अल्लाह ने पूरे कुरान में मनवाया है। 47 हिजरी, 21 रमजान, जब अली को औलाद अबू तुराब को तुराब के हवाले कर चुकी, 6 महीने मौला हसन कूफा में रहे, 6 महीनों के बाद आपने ऐलान किया कि तमाम घर के अफराद तैयारी कर लो, हम कूफा छोड़कर मदीने जा रहे हैं। जब हर तरफ से रोने की आवाज़ें बुलंद थी, तो सैयदा शरीकतुल हुसैन अलैहिस्सलाम की वो कनीज़ें जो बीबी के पास, वो बनातुल इस्लाम मुसलमान बेटियां जो आपके पास तफसीर कुरान का दर्स लेती रहीं, जब उन्हें पता चला कि सैयदों का काफिला कूफा छोड़कर मदीने जा रहा है, तो उन दर्स लेने वाली बनातुल इस्लाम में से एक खातून थी, यानी कनीज थी, जिसका नाम था नवार। इस नवार का निकाह इसके बाप ने अली की जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में, होली मदून से कर दिया था। जब काफिला तैयार होने लगा, ये नवार रोती हुई सैयदा जैनब के कदमों तक पहुंची, कदमों का बोसा लेकर अर्थ करने लगी है सैयदा, क्या आप मुझे फरमाएंगी कि कूफा से जाने के बाद क्या फिर भी कभी कूफे आएंगी। सुभान अल्लाह, जीते रहे सलामत सैयदा, क्या कूफा से रवानगी के बाद अपनी हयात जाहिरिया में फिर भी कभी आप कूफे आएंगी। सैयदा की आंखों में आंसू भर आए, सब से काम लेते हुए
आंसू को रोक लिया, फरमाया हां नवाब तकदीर मुझे एक बार फिर ऊपर लाई है। सुनना था, खुश होकर कदमों से उठी, हाथ बांध कर कहती है भी क्या आप वादा करती हैं कि जब दोबारा कूफे आएंगी तो आप मुझ कनीज के घर को शरम बख्शेंगी, मुझे हक के बीज बानी अता फरमाएंगे। रोने वालों अदादारों सैयदों गैर सैयदों, उसका इतना कहना था, सैयदा की एक एक आंख से कई कई आंसू हाथ बांध कर कहती है सैयदा मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की। आपने फरमाया नहीं तूने गुस्ताखी नहीं की, लेकिन मैं तेरे घर नहीं आ सकूंगी, तभी कूफे आएंगी। फरमाया हाँ तकदीर मुझे एक बार फिर कूफे लाएगी, तेरे घर के दरवाजे के सामने से गुजर जाऊंगी, लेकिन तेरे घर नहीं आऊंगी। जब उसने सुना ना कि बीबी घर के दरवाजे के सामने से गुजरेगी और नहीं आएगी, धाड़े मार के रोना शुरू किया। तो धाड़े मार के रोई तो इमाम हुसैन तशरीफ लाए, फरमाया नमाज खैर तो है, इतनी धाड़े मार के रो रही है। कहती है मौला इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी कि मेरी शहजादी फरमा रही है कि मैं कूफे आऊंगी जिंदगी में एक मरतबा, लेकिन तेरे घर नहीं आऊंगी, तो अपनी बदनसीबी पे रो रही हूँ। अब गरीब ज़हरा ने आंखों में आंसू भरकर नवाज की तरफ देखकर कहा नवाज सर उठा, रोना बंद कर, अगर बतूल की बड़ी बेटी तेरे घर आने का वादा नहीं करती तो मैं हुसैन वादा करता हूं कि कोई आए ना आए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। जब इमाम ने फरमाया ना मैं आऊंगा, फिर खुशी से उठकर खड़ी हो गई, हाथ बांध कर कहती है ज़हरा का लाल जहां ये एहसान किया है एक एहसान और भी कहीं, मुझे फरमा दे किस साल में किस महीने में किस तारीख में आएंगे। फरमाया नवाज सन 61 मुहर्रम का महीना 10वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर ऊपर जो रात आएगी उस सारी रात में मैं तेरे घर का मेहमान बनूंगा, तेरी मर्जी मुझे पहचान या ना पहचान। मौला आप मेरे घर मेहमान बने और मैं ना पहचानूं। फरमाया वक्त बदलता रहता है, मैं खत करूं। वक्त गुजर गया, काफिला चला गया, सन 61 माह मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, रोजाना इंतजामात करने लगी कि मौला तशरीफ लाएंगे, यहां बिठाऊंगी यहां बिठाऊंगी, ये तवाजो करूंगी ये तवाजो करूंगी। 9वीं का दिन गुजर गया, 10वीं का दिन आ गया, जब 10वीं की ज़ोरैन से फारिग हुई बार बार मकान की छत पर चढ़कर कभी मदीने का रास्ता देखती है, कभी घर के बाहर देखती है, कभी आवाज देकर कहती है ज़हरा का लाल तेरा वादे वाला दिन गुजरने वाला, मौला कनीज इंतजार कर रही है कब आगे। इधर ये इंतजार में है, उधर इमाम का सर सज्दे की हालत में सर तक से जुदा हुआ, शिमर मलून ने गरीब ज़हरा का सर उठाया, कैसे उठाया, यूं हाथों पर नहीं, सीने पे रखा नहीं, सर पे रखा नहीं। किताब का नाम है सिराजे गम, मतबुआ बम्बे, मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। इस जालिम ने हुसैन का सर कैसे उठाया, अपना जुल्म भरा हाथ गरीब ज़हरा की जुल्फों में डाला, बाबू हिलाता हुआ हुसैन का सर लेके चला। अब ये खुद बयान करता है, हवाला मैंने दे दिया है कि हुसैन के लब ही दे, जब लब ही दे तो मुझे यकीन हो गया शहीद है, मुझे बद्दुआ दे रहा होगा। ये कहता है मैंने जो अब लोगों पे काम रखा मेरी हैरत की इंतहा न रही, हुसैन ने 3 मरतबा कहा अब्बास अब्बास आओ देखो ज़हरा का बेटा कैसे लूटा गया। ये सर लाया इब्ने साद मलून ने, ये सर खोरी के हवाले किया कि ये सर संभालो, सर पर घोड़ा दौड़ाओ, और कूफे इब्ने ज़ियाद मलून की कचहरी में पहुंचकर
सर पेश कर कर फतह की मुबारकबाद दो। होली बलून ने सर लिया, सर लेकर ये चलने लगा, अब मुझे आप माफ कर देंगे, मैं माफी का तलबगार हूं, जितना बड़ा सख्त है मैं बड़े नरम लफ्जों में इसे अदा करूंगा। इसने गरीब ज़हरा का सर, जिसे बतूल ने चकिया पीस पीस के पाला, जो मोहरे रिसालत का सवार था, इसने वो सर कहां रखा? गोदी में रखा नहीं, जीप पर रखा नहीं, किसी खिलाफ में रखा नहीं, मैंने माफी मांग ली है। घोड़े के पीछे जो तोबरा होता है, जिसमें घोड़े के खाने के लिए दाना भूसा ये चीजें रखी जाती है, रसूल के नवासे का सर, अली और बतूल के हुसैन का सर, इस जालिम ने उसी तोबरे में रखा। तोबरे में रखकर सरपट थोड़ा दौड़ाया, जब ये कूफे पहुंचा अंधेरा छा चुका था, कूफे शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। अब ये सोचने लगा हुसैन का सर है कहाँ ले जाऊं। इसकी दो बीवियां थी, एक शहर के अंदर जो मुनाफिका थी, एक नवार जो शहर के बाहर थी मोमिना थी। अपने आप से कहता है सर नवार के घर ले जाता हूँ, लेकिन जाहिर नहीं करूँगा क्योंकि वो इनके मानने वाली कलील है, कहीं उसे पता ना चल जाए, घर पहुँच कर छुपा दूंगा, सुबह सवेरे लेके दरबार में आ जाऊँगा, नवार को पता ही नहीं चलेगा। सर लाया, दरवाजा कटाया, नवार तो पहले इंतजार में थी, तेजी से आके दरवाजा खोला, सामने जब बलून होली नजर आया, मुंह फेर कर वापस आ गई। ये अंदर सहन में आया, अब देखने लगा कहां सर छुपा, पूरे घर के सहन को देखा, देख देख कर इसकी नजर तंदूर पर पड़ी। जैसे तंदूर पर नजर पड़ी, गरीब ज़हरा का सर संभाला, तंदूर के करीब आकर झुक कर राख हटाई, सर रखा ऊपर, राख बराबर रखा। अब मैं नहीं पढ़ता क्योंकि सुई गैस का जमाना है, बच्चों को पता नहीं है, जो 70-70, 80-80, 60 साल के बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें पता है कि जब तंदूर की आग बुझा दी जाए तो सारी सारी रात राख गर्म रहती है। इसने सर छुपाया, राख डालकर हुजरे में आया, नवाब ने पूछा होली कहां से आ रहा है? कहते हैं करबला, क्यों? वहां हमारे हाकिम की कुछ लोगों से जंग थी, नतीजा कहता है हमें पता हुई वो सब मारे गए। ये पूछ दिया, क्या बता सकते हैं कि जो मारे गए हैं उनके सरदार का नाम क्या था? ये कहते हैं सच पूछती है तो उसका नाम था हुसैन, हुसैन का नाम आना था, तड़प कर कहती है वो जालिमों कहीं ज़हरा का घर तो नहीं लूटा, कहीं घराने रसूल का चिराग तो नहीं बुझाया। कहते हैं नहीं ये वो हुसैन नहीं है, कहती है ना हो, लेकिन हक नाम तो था, खाना जहर मार करके सो गया। अब कुछ लोग पढ़ते हैं और कुतुब में भी है कि इसने ख्वाब में देखा, लेकिन नहीं, कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि नमाज शब पढ़ने के लिए सैयदा की कनीजों में से थी, या अपने बिस्तर से उठी, अपने हुजरे से बाहर आई वुजू करने के लिए। जैसे बाहर आई इसने देखा कि घर के तंदूर से एक नूर की लहर उठ रही जो आसमान तक जा रही है, कलेजा थाम कर खड़ी हो गई कि मैंने तो आग बुझा दी थी, ये फिर नूर की लहर कैसी है? या इसने देखा कि एक बीबी जो दीवार के साथ बैठी है और एक और बीबी जो तंदूर के किनारे रो रही है, ये जल्दी से जो बैठी हुई बीबी थी उसके पास आकर सलाम के बाद पूछती है बीबी वन हफ्ते आप कौन है, मेरे घर क्यों आई है? उस बीबी ने जवाब देते हुए कहा नवाज मैं तेरे नबी का हरम खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा का नाम आना था, तड़प कर कहती है बीबी अगर आप खदीजा है तो ये तंदूर पर रोने वाली कौन है? कहा ये मेरी मजलूमा बेटी, मखलूमा बेटी, पहलू तकबील लेकर जाने वाली बेटी, ये फातिमा है, फातिमा का नाम आया, मुंह पीट कर कहती है बीबी आप और ये बीबी मेरे घर में क्यों रो रही?
भी हैं, आप कैसे आई हैं? बीबी रोकर कहती है, नवाज क्या भूल गई है, मेरे हुसैन ने वादा नहीं दिया था कि आज की रात तेरे घर का मेहमान मैं होऊंगा, तेरे तंदूर में मेरे मंदूर हुसैन का सर है, सर का नाम ना था। इसने चीख मारी, मुंह पे तमाचे मारे, जमीन पर घश खा के गिरी। थोड़ी देर के बाद हज से इफाका हुआ, जल्दी से दौड़ी, तंदूर के किनारे आ, झुककर राख हटाई, खून और हाथ में डूबा हुआ हुसैन का सर इसने उठाया, यूं दो तानू होके बैठी, गोदी में सर रखा, अपनी चादर के साथ साफ और खून को साफ किया, साफ करके कहती है, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम, मौला मुझे पता चल गया है कर्बला में तेरे बेटे मारे गए, भाई मारे गए, अजीज मारे गए, तू सबसे शहीद हुआ, मौला सबका पुरस्कार दूंगी, जी भर के मातम करूंगी, लेकिन पहले एक दुआ मांगती हूँ, आप शहीद हैं, आमीन कह दो, वाहे जादे इमामत, मौला के लफिले, फरमाया नवार मां क्या दुआ मांगती है, कहती है मौला और कुछ नहीं मांगती, मेरी दुआ सिर्फ इतनी है, अल्लाह करे तेरी मजलूमियत भरी शहादत की खबर मदीने में तेरी बहन ज़ैनब को ना मिले। इसका इतना कहना था बहनों वालों, इमाम बाबा देखकर कहते हैं, नवार ये दुआ न मांग, 70 कदमों से देखती रही, मेरी प्रिया के कंधे पर खंजर चलता रहा, रो रो के कहती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह اللهم نحن نسألك زيادة في العلم صحة في الجسم بركة في الرزق نورا في القلب طولا في العمر توبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة بعد الموت نجاة من النار دخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين تمام حاضرين وسامعين کی شرعی اور نیک تمناؤں کو پورا بے اولادوں کو اسی ذکر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا کرنا، بیماروں کو شفا کاملہ عطا کرنا، ہم سب کو کرونا کی وبا سے امان عطا کرنا، پاکستان کو داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ کرنا، وارث امن امام زمان علیہ السلام کا ظہور عطا کرنا، ہمیں ان کے غلاموں میں مل کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا کرنا۔ اس جتنا مجلس پڑھی گئی ہے ذکر و اذکار سلام کی صورت میں، حدیث قصہ کی صورت میں، یا ان چند کلمات کی صورت میں پروردگارہ ادا ہوا ہے، اس کا ثواب مرحوم محفوظین جناب زیادی صاحب کے گھرانے کے افراد کو عطا کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے نعرہ حیدر